हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और जो मेरे चैनल पे नए हैं उनको बता दूं कि मैं हूँ मौशमी, और आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक सनस्क्रीन के बारे में बात करने वाली। वैसे तो अभी समर का सीज़न चल रहा है दोस्तों, लेकिन सनस्क्रीन हमें हर सीज़न में अप्लाई करना ज़रूरी होता है। ये हमारे स्किन को यूवीए एंड यूवीबी रेज से प्रोटेक्ट करती है, जिससे कि हमारा स्किन डैमेज नहीं होती है। तो सबसे पहले मैं आपको वो प्रोडक्ट दिखा देती हूँ, ये आप देख सकते हो। ये है न्यूट्रीजिना अल्ट्रा शेयर सनस्क्रीन विथ SPF 50 PA++++। इसमें SPF 50 है दोस्तों। ये जो सनस्क्रीन है दोस्तों, ये वाटर प्रूफ है, स्वेट प्रूफ है, वेटलेस है और मैट फिनिश लुक देती है। और ये जो है, ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन है, जो कि सन के यूवीए और यूवीबी रेस से हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन दैट कैन हेल्प प्रोटेक्ट योर स्किन अगेंस्ट बर्निंग एंड साइन ऑफ एजिंग एंड ऑल्सो स्किन कैंसर, यहाँ इसमें मेंशन किया हुआ है दोस्तों। और ये जो सनस्क्रीन है, ये फॉर ऑल स्किन टाइप के लिए है। इसको ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं और ड्राई स्किन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और इस सनस्क्रीन को मैन एंड वोमेन बोथ दोनों यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। और ये काफ़ी लाइट वेट फार्मूला है इसका, और ऑयल फ्री, वाटर रेजिस्टेंस है दोस्तों। और ये जो सनस्क्रीन है, ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड नॉन कॉमेडोजेनिक भी है, प्रोडक्ट है। और इसमें प्रोडक्ट क्वांटिटी 30 ml है दोस्तों। ये कुछ इस तरह के ट्यूब के पैकेजिंग में ही आई थी, इसमें किसी तरह की कार्डबोर्ड की पैकेजिंग नहीं थी। 30 ml का ये ट्यूब है एंड इसकी प्राइस 225 rupees मुझे पड़ी है। और ये जो सनस्क्रीन है, ये किसी भी तरह का वाइट कास्ट नहीं छोड़ती है अप्लाई करने के बाद। इसका टेक्सचर मैं आपको दिखा देती हूँ, सी कुछ ये आप देख सकते हो। ये एक अल्ट्रा शीयर कवरेज भी देती है। और मैं इस सनस्क्रीन को अपने फेस पे अप्लाई करके भी आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हो, ये शीयर कवरेज देती है दोस्तों। एक फ्रेश और क्लीन लुक देती है ये। और आफ्टर 2 hours हर 2 घंटे में आप इस सनस्क्रीन को अप्लाई कर। और जो लोग किचन में कुकिंग करते हैं, उनको भी कुकिंग करने से पहले 10 या 15 मिनट पहले सनस्क्रीन अप्लाई कर लेना ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि कुकिंग में जो स्टीम निकलती है उससे भी हमारा स्किन हार्म होता है। तो सनस्क्रीन अगर आप कुकिंग से पहले अप्लाई कर लोगे तो आपका स्किन सेफ रहेगा। चैनल में शुगर का जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन है, उसका भी रिव्यू एंड डेमो किया हुआ है। मैं इसका लिंक आई बटन में आपको दे दूंगी, आप उसको भी चेक कर सकते हो दोस्तों। और इस सनस्क्रीन को मैन एंड वोमेन दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का प्रोडक्ट रिव्यू। आई होप आज का वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। अगर आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और आप मेरे प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते। और जो मेरे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले, इट वुड मीन अ लॉट टू मी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।